शांति। आज की तारीख है 20/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक शांति के सागर सारे विश्व को शांति प्रदान करने वाले मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है, अर्थात शांत रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न, पूरा सरेंडर किसको कहेंगे, उनकी फिर निशानी क्या होगी? उत्तर है, पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है और आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से ये समझते हैं कि ये सब हम सब बाबा के लिए हैं। बाबा को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सब की पालना भी होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के मात पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, बुद्धि को शालीन बनाने के लिए यानी तेजस्वी बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारे रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। नंबर 2, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा रॉयल पीसफुल नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रहे पीस स्थापन करनी है। वरदान परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु बाबा का कि रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाबाएं कहते हैं कि कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही वो रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति समय संगठन स्थान वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फिर फायदा भी हो। सीमा के अंदर बोल हो
तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।